वेलकम बैक टू दी स्टार सॉरी ब्लॉग्स विद रजनी, मैं भूल जाती हूँ भी एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट, और जस्ट अभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो का जो ब्लॉग आपको ने देखा है उसका एंड किया, तो मैंने सोचा यहीं से मैं दूसरा ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म आलू के पराठे विद काढ़ा, खाड़ा नहीं दूध भी बोल सकते हैं या कॉफ़ी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। तो आइए आप भी गंगा गरम नाश्ता कर लीजिए। तो पराठा बनकर के हो गया था, हालांकि मैं ऐसे खाने के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि मैं नाश्ता बना रही हूँ, ताकि प्लेट में सर्व करके अच्छे से मैं आपको खिलाने के लिए दूँगी। तो ये देखिए नाश्ता जो है यहाँ पर लग चुका है, आइए और आप लोग भी गर्मा गर्म कर लीजिए। और यहाँ पर ना उधर बेलन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, सो उसे इग्नोर कीजिएगा। आलू के पराठे बन गए हैं हरी चटनी के साथ, और साथ में हल्की सी लाइट सी कॉफ़ी। तो आइए आप भी इस नाश्ते का लुत्फ़ उठाइए। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ नाश्ता करने और एक दो सीरियल देखने, सीरियल का नाम नहीं छोड़ो, सीरियल क्या ड्रामा ही होता है। तो चटनी के साथ आप भी खा लीजिए। तो इधर मैं कर रही थी लगभग 2.25 घंटे से प्रेस, और वीडियो मैंने जानबूझ करके नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो को बनाने के चक्कर में ना फ़ोन इधर सेट करो उधर सेट करो फिर लेट हो जाता है। मुझे ये था कि फटाफट निपटा लूँ, आज काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, कुछ कपड़े तो मैं लगा भी चुकी हूँ। और अभी भी देखिए इतनी सारी ये शर्ट्स हैं, जीन्स कुछ इधर मेरे भी हैं बेटे के हैं, और कुछ मैं उधर अलमीरा में लगा के आ चुकी हूँ। फिर अभी मुझे याद आया चलो मैं छोटी मोटी कुछ वीडियो बना लेती हूँ, तो बस अभी इनको मैं फटाफट रख करके आ जाती हूँ, आके आ जाती हूँ, चलो लेकर के ही चलती हूँ साथ में। हस्बैंड के कपड़े उनकी अलमीरा में लगा देती हूँ, बेटे के अलमीरा में लगाऊँ, शर्ट्स लगा देती हूँ मैं उधर। देखिए इधर ये खुली ही पड़ी है, क्योंकि मैं इसमें ना कपड़े लगाने लग रही थी,
तो ये खुली भी पड़ी है। तो अभी मैं यहाँ पर बैठ करके कर रही हूँ वीडियो की एडिटिंग, जो आज हम जो डालनी है। तो मैंने देखा ना, तो उसका मैंने प्रॉपर एंड किया है और वीडियो भी थोड़ी छोटी रह गई है। और मैंने अभी लास्ट वीक अपनी 2-3 वीडियोस ऐसी डाली हैं तो जो थोड़ी छोटी थी, तो उन पर क्या हुआ है पता नहीं, व्यूज़ पहले आए हैं और फिर वो कम हो गए हैं और बहुत ज़्यादा कम है। हालाँकि मैंने ध्यान नहीं दिया है, मुझे जैसा हो रहा है जो हो रहा है वो मैं छोड़ देती हूँ आजकल रियल लाइफ में भी और इस तरह से भी। उससे क्या होता है ना, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं होता है। और आप देख रहे हैं मेरा फेस कितना स्वेल हो गया है, पता नहीं अब 2 दिन से ना मुझे स्वेलिंग आ रही है, ऐसा लगा जैसे जस्ट अभी ना सो करके उठी हूँ। जबकि मैं आपको दिखाऊँ, देखिए मैं कर रही हूँ कपड़ों की धुलाई, टाइम हो रहा है शाम का 4:45 बजा हुआ है और मैंने आज इतने मोटे मोटे कपड़े सब धुल दिए हैं। और अभी मैंने इनको सुखाया बाहर, तो हल्की 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 सी बूंदाबांदी सी होने लगी, इसलिए मैं उतार करके अंदर ले आई हूँ। और अभी बेडशीट्स रह रही हैं मेरी, छोटे कपड़े काफ़ी सारे धुलने लग रहे हैं सुबह में, क्योंकि मुझे हो गई थी थकान। जब तबीयत सही ना हो तो ऐसा ही होता है। और तो बस इसलिए मैंने क्या किया ना, अब लगभग 3:30 बजे करीब मैंने लगा ली मशीन। मैंने कहा सुबह में और भी काम बहुत होते हैं, तो सुबह में थकान ज़्यादा होती है। और मैं वैसे दवाई मेरी चल रही है, दवाई खा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट सा मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और मुझे लग रहा है मेरा थायराइड भी शायद इधर उधर हो रहा है, या फिर मुझे ज़्यादा थकान की वजह से स्वेलिंग आ रही है, क्योंकि दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो खैर चलिए, ये सब तो छोड़ते हैं। तो मैं बस वीडियो का एंड ही करने के लिए बैठी हूँ मेन तो। और आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए इधर बैठा हुआ है मेरा बेटा, उधर पीसी में मैं कुछ देख रही थी तो उसकी आवाज़ मैंने उससे करा दी है बंद, क्योंकि उसके साथ साथ ना वहाँ पर कपड़े धुलाई हो रही है, इधर मैं आके फिर बार बार बैठ जाती हूँ। तो बेटा जा रहा है, बेटी और बेटा दोनों जा रहे हैं ज़रा यहीं पास में मार्केट कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। देखती हूँ, शायद मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग नए हैं